हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल आपका कोमल्स किचन में स्वागत करती हूँ। बारिश की सीज़न आ चुकी है, बहुत रिमझिम बारिश में पकोड़े खाने का बड़ा मन करता है, वो भी प्याज के हों या आलू। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बहुत अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर करें। हमने यहाँ पे एक लिया है बाउल, बाउल में मैंने 3 लंबी लंबी साइज के बारीक से प्याज काट के रखे हैं ताकि जितने बारीक होंगे उतने हमारे लच्छेदार प्याज बनेंगे। यदि प्याज लच्छेदार है तो पकौड़े लच्छेदार बनेंगे और काफ़ी क्रिस्पी और करारे बनेंगे। इसलिए जितनी लंबी और बारीक प्याज काटेंगे तो आपके भी पकौड़े बहुत लच्छेदार और करारे बनेंगे। जब तक करारे पकौड़े नहीं होते तो खाने का मज़ा नहीं आता है। तो मैंने एक बाउल में 3 बारीक कटी हुई लंबी और बारीक कटी हुई प्याज डाल दिया है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने बारीक कटी हुई डाली है, पीस के डाला है ताकि खाने समय दिक्कत ना हो। बड़े बड़े टुकड़े होते हैं तो कई बार हम स्किप कर देते हैं, और बारीक रहती है तो हमारे सारे पेस्ट में फ्लेवर आ जाता है। और इसमें हमने डाली है काफ़ी बारीक कटी हुई हरी धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला इसे चटपटा बनाने के लिए, और नमक। लाल मिर्च ऑप्शनल है, मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च 8-10 डाली है। काफ़ी क्वांटिटी में होने की वजह से काफ़ी तीखे हैं तो मैंने इसमें लाल मिर्च को स्किप किया है। आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं। जितनी क्वांटिटी पे आपको भर के प्याज हैं आप कटोरी से मेज़र कर लेंगे, उसका आधा हमें इसमें बेसन डालना है। मैंने इसमें एक बड़ी कटोरी भर के प्याज काटे थे, कटने के बाद क्वांटिटी को मेज़र करना है, और इसका आधा मैंने इसमें बेसन डाल दिया। और बेसन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 पिंच सोडा। सोडा इसमें थोड़ा सा ही डालिएगा। और सोडा डालने के बाद हम सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे कि सारे प्याज में अच्छे से बेसन की एक कोटिंग चढ़ जाए। पहले हमें पानी नहीं डालना है, पहले सारी ड्राई होते ही हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर देना। यदि आप सोडा पसंद नहीं करते हैं तो इसमें आप 1 चम्मच बड़ा भर के तेल डाल सकते हैं, गर्म तेल, उससे भी पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं और सोडा से भी अच्छे बनते हैं। कई लोग सोडा को स्किप कर देते हैं तो उसकी जगह हम गर्म तेल का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी, 3 से 4 चम्मच पानी से ही हमें इसे डो को तैयार करना है क्योंकि हमें काफ़ी लिक्विड डो नहीं बनाना है, हमें खुला खुला डो चाहिए क्योंकि प्याज के पकौड़े हैं। इसमें प्याज का फ्लेवर बेसन की कोटिंग चढ़ जाने में उतना अच्छा नहीं आता है, कम पानी से अच्छे से इसका डो बन जाता है। अब देखिए, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा बेसन कम है, कोटिंग अच्छी नहीं, तो इसमें मैंने 2 चम्मच और बेसन ऐड किया है। आप डो को मिक्स करने के बाद, थोड़ा पानी डालने के बाद इसे मिक्स करके देखेंगे कि आपको यदि बेसन कम लग रहा है तो आप थोड़ी क्वांटिटी पे और ऐड कर सकते हैं। और आप देखिए, मैंने इसे हाथों से अच्छे से मिक्स किया और एक अच्छा सा हमारा डो बन के तैयार हो गया। ऐसे ही खुला खुला डो रहेगा तो आपके पकौड़े काफ़ी ऑयली नहीं बनेंगे, और यदि डो गीला होता है तो हमारे जो पकौड़े हैं वो काफ़ी तेल सूख लेते हैं। इसलिए हमेशा हमें जब प्याज के पकोड़े हों या लच्छे वाले सब्जियों के पकोड़े हों, जब लच्छे वाले पकोड़े हों तो उसमें हमेशा हमें खुला खुला डो बनाना चाहिए। मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में मैंने बहुत सारा तेल रखा है, ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि पकोड़े हमारे डीप फ्राई होते हैं। तो काफ़ी हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें चेक कर ले रहे हैं कि थोड़ा सा तेल में, क्योंकि ज़्यादा ठंडा तेल रहेगा या ज़्यादा गर्म रहेगा, या तो ज़्यादा गर्म होगा तो पकोड़े जल जाएंगे, ठंडे होंगे तो पूरा तेल सोख लेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पे हमने देखिए गर्म किया है, और अपने हाथों के सहारे से जो साइज़ को आपके पकौड़े बनाने हैं उस साइज़ के हाथों से डालते जाइए, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि उसका कड़वापन टेस्ट आता है, क्योंकि प्याज है, प्याज यदि ज़्यादा गुलाबी हो जाते हैं तो उसमें हल्का सा कड़वापन आ जाता है। तो आप देखिए कितने लच्छेदार हमारे पकौड़े बन रहे हैं। आप देखिए खुले खुले पकौड़े देख रहे हैं। हमने इसे फोक से, पकौड़े हों या कटलेट या जो भी चीज़ बनाएं आप फ्राई वाले, तो हमेशा फोक से हमें इसे पलटाना चाहिए ताकि वो पकोड़े अच्छे से बने और खुले ना। बड़े चम्मच से, पूरे चम्मच में उसका बेसन गीला होने की वजह से लग जाता है और पकोड़े पलटाने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। अब देखिए, मैंने इसे एक बार बस फोक से पलटा, आधे कच्चे पकोड़ों को हमने निकाला है क्योंकि हम इसे डबल फ्राई करेंगे। जैसे ही हम पकोड़े बनाते हैं तो तेल ठंडा हो जाता है, और काफ़ी देर तेल ठंडा होने की वजह से वो पकोड़ा तेल चूसने लगता है। थोड़ा सा ये हल्का सा ये फ्राई हो इसे आप तेल से निकाल दीजिए, वापस तेल को हमें गर्म करना है अच्छी
तेज़ क्वांटिटी में, फिर हम तेल में पकौड़े डाल के यदि फ्राई करते हैं तो काफ़ी अच्छे बनते हैं। इसलिए मैं सारे डो के पहले पकौड़े बना के कंप्लीट कर दे रही हूँ, फिर इकट्ठा हम इन्हें फ्राई करेंगे। जितना भी डो है आप एक साथ पकौड़े बना के इसे क्लीन रैप करके रख भी सकते हैं जब मेहमान आए, बस एक मिनट में आप फ्राई करिए। और ये तुरंत खाना है तो भी आप एक बार निकालने के बाद यदि डबल फ्राई करके पकौड़े बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप देखिए मैंने इसे अच्छा तेल वापस गरम किया और पकौड़े डाले, अब मात्र देखिएगा 1 से 2 मिनट में ये गुलाबी हो जाएंगे और गरम गरम खाने का मज़ा भी अच्छा आता है, क्योंकि एक साथ पकौड़े बन नहीं पाते हैं और इंतज़ार करते सब लोग रह जाते हैं। ऐसे हमने एक साथ डीप फ्राई नहीं किया, दोबारा डीप फ्राई किया तो हमारे काफ़ी पकौड़े एक साथ निकाले और सबको खाने का मज़ा ही कुछ और आया। और मात्र देखिए 5 मिनट में हमारे पकौड़े गुलाबी हो चुके हैं। आइए हम इस पकौड़ों को सर्व कर लेते हैं। मैंने इसे इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप ऐसे भी चाय के साथ पकौड़े खा सकते हैं और उसके साथ यदि हरी मिर्च फ्राई हो तो उसका खाने का मज़ा ही कुछ और आता है, क्योंकि पकौड़े यदि किसी को ज़्यादा तीखे पसंद है तो हरी मिर्च के साथ वो खा सकता है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा हरी मिर्च फ्राई किया है। पकौड़ों में कभी लाल मिर्च ना यूज कीजिए, क्योंकि लाल मिर्च से काफ़ी कलर पकौड़े का ख़राब हो जाता है और हरी मिर्च से उसका जो पकौड़े का स्वाद और कलर दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह के पकोड़े अपने घर पे ट्राई कीजिए, अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल्स किचन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक हम पहुंचा सकें।